आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो आप लोग देख सकते हो BSc फर्स्ट ईयर की ओपन मेरिट लिस्ट और बहुत सारे ऑफर लेटर भी है। देखो ऑफर लेटर में आपको क्या क्या लगाना पड़ेगा और अनरिजर्व जो है और रिजर्व जो है वो सारी ओपन मेरिट जो है वो BSc फर्स्ट ईयर की मैथ्स की है। और बहुत सारी जो है वो ओपन मेरिट लिस्ट लगी हुई है MS डिग्री कॉलेज में। देख लीजिए आप अपना नाम अगर आपको ओपन मेरिट लिस्ट में आया हुआ है, BSc मैथ्स की है ओपन मेरिट लिस्ट ये, तो आप सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो देख लीजिए अपना नाम। और इनकी लास्ट डेट भी दी हुई है कि आप लोगों को कब तक क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। मैथ्स की है BSc फर्स्ट ईयर ओपन मेरिट लिस्ट और इसकी लास्ट डेट जो है वो भी लिखी हुई है इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर की लास्ट डेट इनकी कब है। ये बॉटनी की है और अंतिम तिथि है 13/9/2022 साइन 4 बजे तक जो है एडमिशन है। BA फर्स्ट ईयर की ओपन मेरिट लिस्ट भी लग गई है, तो आप लोग अपना नाम देख लीजिए अनरिजर्व ओपन मेरिट लिस्ट। हाँ ये भी है, BA फर्स्ट ईयर की अंतिम तिथि 13/9/2022 है, तो आप अपना नाम लिख देख लीजिए और एडमिशन ले लीजिए अगर आप MS डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स को हो तो। और अगर आप लोगों ने ओपन मेरिट लिस्ट में अपना नाम आपने ऑफर लेटर जमा किया है तो आप प्लीज़ चेक कर सकते हैं। ओपन मेरिट लिस्ट के लिए ऑफ़र लेटर जो है वो ज़रूरी होना चाहिए और ऑफ़र लेटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए मैंने जस्ट आपको पहले बताया है, उसमें मैंने लगा रखा है वो जो आप देख सकते हो कि ओपन मेरिट लिस्ट में ऑफ़र लेटर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बाकी आप लोग अपना नाम देख लीजिए और 13 तारीख तक जो है वो 13 सेप्टेम्बर तक आप लोग एडमिशन ले सकते हो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। BCom फर्स्ट ईयर की भी है और क्या क्या कोर्सेज हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए ये भी आप लोग देख सकते हो। किस किस स्टूडेंट्स का नाम आया है थर्ड मेरिट लिस्ट में, ओपन मेरिट लिस्ट में, और ऑफर लेटर किस किस ने सबमिट किया हुआ है वो प्लीज़ अपना नाम चेक कर लीजिए अगर आप MS डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स हो। आप आज के वीडियो में ही आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो MS डिग्री कॉलेज का है ये और यहाँ पे एग्ज़ाम भी हो रहे हैं और ये जस्ट बाहर का है रोड जहाँ से आप लोगों की एंट्री होती है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एडमिशन ले रहे हैं। तो आज लग गई है यहाँ पे ओपन मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट भी लगी है BA फर्स्ट ईयर की, BCom फर्स्ट ईयर की। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। बाकी जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है उनके लिए एक प्रोसीजर होता है कि वो ओपन मेरिट लिस्ट भी लगती है यहाँ पे, लेकिन ओपन मेरिट लिस्ट ओनली उन स्टूडेंट्स की लगती है जिन्होंने ऑफ़र लेटर जो है वो सबमिट किया होता है। ऑफ़र लेटर में आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और ये कॉलेज में ही आपको कंफर्म करना पड़ता है अगर आपका तीनों मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो। और ऑफ़र लेटर में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जस्ट मैंने आपको अभी बताया है, आप वीडियो के फ्रंट पे ही देख सकते हो। मैंने पूरी लिस्ट लगाई हुई है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, तो आप आराम से चेकआउट कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने ऑफ़र लेटर सबमिट नहीं किया है तो आप लोग ऑफ़र लेटर सबमिट कर लीजिए। जिन बच्चों का नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट में नहीं आया है वहाँ पे ओपन मेरिट लिस्ट लगती है और ओपन मेरिट लिस्ट में उन स्टूडेंट्स का नाम आता है जिन्होंने ऑफ़र लेटर जो है वो सबमिट किया होता है। ऑफ़र लेटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आप लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बच्चे आजकल एडमिशन ले रहे हैं, आजकल एडमिशन चली हुई है कॉलेज, अगर आप MS डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आजकल यहाँ पे एडमिशन चली हुई है। और MS डिग्री कॉलेज है उत्तर प्रदेश का सरकारी कॉलेज, CCSE यूनिवर्सिटी का नाम है और यहाँ पे BA, BSc, MA, MSc, MCom और BLib और LLB, BSc इन फिज़िकल और इग्नो का भी यहाँ पे सेंटर है। BCA, BBA के कोर्सेज करवाए जाते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और ये MS डिग्री कॉलेज कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है वेस्ट मॉडल टाउन में, गाज़ियाबाद में, रोड के जस्ट 5-7 मिनट का रास्ता है अंदर। PVR मॉल जो है उसके थोड़ा सा आगे है, ये राइट हैंड पे आगे अंदर जाके एक गली सी आती है, तो ये वही MS डिग्री कॉलेज। और ये बहुत बड़ा कॉलेज है और बहुत अच्छी फैकल्टी है यहाँ पे, बहुत अच्छा स्टाफ है और बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज है। पिछले साल यहाँ पे LLB की क्लासेस नहीं स्टार्ट हो रही थी लेकिन अब जो है वो यहाँ पे LLB की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हैं। तो अगर आप LLB में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो आजकल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है LLB का, तो आप लोग LLB में भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो।
काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट करके इस कॉलेज से जाते हैं। बहुत ही अच्छा स्टाफ है जो बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुचारू तरीके से जो हैं वो पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से, बहुत ही दूर दूर से बच्चे जो हैं वो अपनी डिग्री लेने के लिए आते हैं। पार्किंग की भी यहाँ पे फैसिलिटी है, 20 रुपये पार्किंग है साइड में, और यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी कॉलेज में, सारी फैसिलिटी।